तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। और आज का ब्लॉग जीटी बाजार का होने वाला है। हुआ यूँ था कि कल रात को मेरे दोस्त का कॉल आया था, वो उसकी शॉप जीटी बाजार के अंदर ही, उसको मेरे से मिलना था। तो मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया तो उसे मिले हुए, तो सोचा मिल लेते हैं उससे और वहाँ का ब्लॉग भी हो जाएगा, जीटी बाजार कैसा दिखता है, कैसा मॉल है। वो तीन चार मॉल है वहाँ, वैसे वो भी दिखा दूँगा सारा सब कुछ आपको। तो मिल भी लेंगे उससे, ब्लॉग भी बन जाएगा, तो दिखाता हूँ। अगर जो जयपुर के लोग हैं उनको पता होगा कि जीटी बाज़ार कहाँ पे है, जो नहीं पता उनको बता दूँ कि जीटी बाज़ार माली नगर जयपुर के अंदर है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, मिल दिखाता हूँ वहाँ पे क्या है क्या नहीं, और ब्लॉग में एंड तक बने रहे, मज़ा आएगा आपको। दोस्त से भी मिला दूँगा और जीटी बाज़ार भी दिखा दूँगा। तो दोस्तों, मैं जीटी बाज़ार तो आ चुका, मेरे फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, ऊपर से आ रहा है अभी। इसमें नहीं, सॉरी, इस वाले बिल्डिंग से ऊपर आ रही है, इसी में शॉप है, इसको क्रिस्टल कोर्ट बोलते हैं। तब तक आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। मेन सड़क का जो जीटी मॉल है ना, उसकी मेन सड़क है ना, जो वहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। ये जीटी मॉल का जो मेन सड़क है ना, यहाँ पर तीन चार मॉल है। ये मेन सड़क है इसकी, ये वेस्ट साइड, एक मॉल ये हो गया, एक मॉल ये हो गया, एक मॉल ये हो गया और एक मॉल ये हो गया। ये है पुराना जीटी, इसके बाद एक क्रिस्टल कोर्ट आ गया, उसके बाद फिर ये न्यू जीटी खुला है। जो अब करता हूँ मैं उसको कॉल एक बार, उसके बाद उससे भी मिलाता हूँ आपको, फिर ये अंदर से भी दिखा दूँगा। ये आ गया वो, इतना वेट करवाने के बाद। हेलो बडी, कैसा है तू? बढ़िया। इधर आ, इधर अच्छी नहीं आ रही। इधर आ। ये जिसकी मैं बात कर रहा था, हिमांशु, वैसे क्या ये साइड बिजनेस है इसका, इसमें शॉप है। बाकी तू किस में बता दे एक बार। आरएफएस में भाई, फायर डिपार्टमेंट के अंदर, और ये मॉल है, इसके अंदर इसकी शॉप। तो मैं मिलता हूँ इससे, बात बात करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, इसकी शॉप भी दिखाऊँगा आपको, ठीक है? ये है अंदर से क्रिस्टल कोर्ट। तो दोस्तों, ये है इसकी एक शॉप, एक ये हमारी आंटी है, इनकी एक शॉप ये वाली है। और एक और दिखाता हूँ, ये भी इन्हीं की है। हेलो कर दो एक बार आशी, आशी हेलो कर दो। ये भी इनकी है और क्रिस्टल कोर्ट के अंदर ही आता है ये, ठीक है? तो बाकी और दिखाता हूँ आपको, एक शॉप ये वाली है इनकी। हेलो, कैसा है, कहाँ था, लेट कैसे हो गया? अरे मैं दाढ़ी कटवाने गया था। अच्छा, एक इनकी ये वाली शॉप है, ये भी क्रिस्टल के अंदर ही है। ये सारे मतलब रिलेशन वाले, रिलेशन तो क्या, मतलब दोस्त ही हैं जो भी है। तो पक्का वाला, कौन सा वाला? पक्का वाला। पक्का वाला कलेक्शन भी वैसे अच्छे। कहाँ पे वैसे क्रिस्टल में, शॉप नंबर बताना। DBS 16 दिल्ली बाजार। तो ये तो शॉप तो इतनी थी, बाकी तो मैं और किसी की दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये जानकारी इसलिए दिखा रहा हूँ इनकी। Thank you.
इसी मॉल के अंदर मेरा एक और फ्रेंड है, उसकी शॉप है, इसका है वैसे, मेरा भी है ही, तो इससे भी मिल, इससे तो मिल ही लिए, उससे भी मिल लेते हैं। वैसे कितना टाइम हो गया आपको मिले? दो महीने बाद अब मिल रहे हैं, और उससे भी मिलना है। चलो दिखाता हूँ उसकी भी, ठीक है? One eternity later. दोस्तों वो तो मिला नहीं, शॉप भी बंद है आज, तो इसे अब कुछ खाने जाएंगे, भूख लगने लग गई, क्योंकि तो सुबह से मैं कुछ खा के नहीं आया इससे मिलने के चक्कर में। बस कह रहा है चलते हैं खाना खाने, ठीक है? तो स्टार्ट, क्या लेगा? पेटीज। बस पेटीज, इतने दिनों बाद मिला, फिर पेटीज। दोस्तों वैसे बोलता बहुत है, पता नहीं आज क्या सर मारा है। ले ले, चल पेटीज ले ले। मेरी बात है, यहाँ पे अपन पेटीज खा लेंगे, ठीक है? 20-20 रुपये में पेट भर जाएगा। कितने कितने रुपये में? 20-20। अच्छा, फिर अपन महंगी जगह जगह चल चलेंगे। महंगी कहाँ पे? जिमली, वहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ें 35 रुपये की। यार वहाँ कब लोग अलग बने, कोई ना, इस वीडियो में आपको जीवड़ी भी दिखा देंगे, सबसे सस्ता केव है, गरीबों वाला, हमारे जैसे। यहाँ पे 40 का खर्चा, यहाँ पे 70 का खर्चा लगेगा, कैसा? 1000 रुपये कर दिया। क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं? क्यों बेइज्जती करवा रहे वैसे खर्चा इतना ही होता है, लेकिन जानबूझ के बोल रहे हैं, होता है इतना ही। आना कभी, जीवड़ी दिखा दूंगा, जीवड़ी भी कैसा है वो भी दिखा दूंगा आपको, तो चलेंगे वहाँ पे, पहले पेटीज खा लेते, क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही है, ठीक है? भाई साहब पेटीज आ गई, हमारा हिमांशु पेटीज लेके आज बड़ी खातिरदारी कर रहा है मेरी। चलो दोस्तों पेटीज खाते हैं, इसके बाद चलते हैं जीवड़ी। भाई साहब भाई साहब पेटीज खतरनाक टेस्टी है, गरम गरम है, अच्छी देते हैं। जीटी आओ तो ट्राई जरूर करना, बहुत प्यारी पेटीज है, खा के देख। हिमांशु लग कैसा रहा है पेटीज? तगड़ा तगड़ा ना, मस्त यार। कितने का आई है वैसे? है 20 का, लेकिन भाई आइटम कितने हिसाब से? 60, कम से कम 50-60 रुपये का अगले, नहीं इस एरिया के अंदर तो भाई सस्ता ही है। ठीक है गाइस, इसको खा लेने देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यही था पूरा जीटी बाज़ार का व्यू, जीटी बाज़ार घुमाया था और इस क्रिस्टल कोर्ट बताया था, ये पूरा इसका व्यू। और देखिए पुराने वाला जीटी है, सही है, ये पुराने वाला जीटी है, तो जीटी बाज़ार का यही था। अब जहाँ जा रहे हैं जीवीडी, भाई वहाँ की कॉफ़ी बहुत फेमस है, तो सोचे भाई आज बहुत दिनों बाद आए हूँ तो कॉफ़ी पी लेता हूँ, तो वहाँ का भी बताता हूँ। बाकी जीटी बाज़ार का तो यही था, देख लेना पूरा अच्छे से, आई होप आपको मजा आया होगा। चलते हैं वहाँ पे बताते हैं। कितना दूर है? थोड़ा सा और दूर है, आगे बस। तेरे को याद है हर पहले जब तेरे साथ रहता था मैं तेरे घर पे, तो अपने हर रोज शाम को यही आके बकवास करते थे, यही आते थे, पीते थे। चाय नहीं, कोल्ड कॉफी, चाय भी पीते थे रात को 2 बजे आके, जब कोल्ड कॉफी नहीं मिलती थी। पहले कम साथ ही रहते, तब तो क्या दूर दूर हो गए। पहले हम रात के 2-2 बजे तक, इसके पड़ोस में WTB भी है, उसका भी अलग ब्लॉग बनाऊंगा, यहाँ पे भाई रात के 2 बजे भी आओगे ना आप, चाय मिल जाएगी आपको। और हम घर से आते थे 4-5 किलोमीटर दूर से यहाँ पे स्कूटी पे। तेरी स्कूटी कहाँ है? गई भाई, इसकी स्कूटी कितनी प्यारी थी भाई, इससे ज़्यादा मैंने चलाई इसकी स्कूटी, क्योंकि मेरे पास नहीं थी उस टाइम, अब तो है, लेकिन पहले की इसकी बताओ, इसकी स्कूटी बहुत याद आती है भाई मेरे को। यही था रे यार, मजे तो बहुत किए हमने। इधर भाई नए कैफे खुले हैं इधर, और ये आ गया जीवड़ी, तो जीवड़ी भी दिखाता हूँ। ये है जीवड़ी, चलते इसके अंदर। ये है गरीबों का कैफे, आके जरूर ट्राई करें। लेकिन हमारी, हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी है, कॉफ़ी आ जाए। कितने की कॉफ़ी वैसे, कोल्ड कॉफ़ी कितने की? 40, मात्र 40 रुपये। बोल के बोल दे सर, हमारी तेरे को दिखा दिया ये मेन्यू, पोज करके पढ़ ले इतना सस्ता आइटम मिलता है। तो कॉफ़ी आ जाए, पी के पीते हैं, दिखाते हैं आप। हम ऐसे नहीं देखते क्या मंगाना है, हम ऐसे देखते सबसे सस्ता क्या है।
चालीस चालीस हाँ चालीस मिल गया, अब हमको क्या ढूंढना है, तीस 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 दोस्तों हमें मिल चुका है बीस एक्स्ट्रा पाव, पर पाव तो सब्जी के साथ आएगा सॉरी कुछ नहीं आलू पेटी, पेटीज खा के आ चुके अपन, अपने को पीनी कॉफी, हम वहाँ पे बीच में खा के आ चुके हैं, अब हमको ढूंढना कुछ सॉरी दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा पाव मिल रहा है बस बीस का, उसके अलावा कोई बोल सकता है ये बंदा फायर डिपार्टमेंट में जॉब है, खुद की शॉप है, फिर भी चिंदी जैसे हरकतें कर रहा है, बताओ सॉरी दोस्तों कुछ नहीं मिला कॉफी दो यार घर चले गए धन्यवाद भैया, ये हमारी कॉपी आ चुकी है, हिमांशु जी टेस्ट करके बताइए कैसी है, ये हुई है पहले बुरी तो नहीं है बुरी तो नहीं है साले, अपन डेली यही पीते थे, चलो दोस्तों मैं भी पी लेता हूँ, नहीं तो गर्म हो जाएगी यहाँ पे सब कपल आए यार, मैं और तू ही आए बस लड़के, दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा हाँ तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक था, दिखा दिया आपको जीटी कैसी, जीवड़ी भी दिखा दे कैसी थी, क्रिस्टल कोर्ट भी दिखा दे, इसकी शॉप भी दिखा दी, जो फ्रेंड था वो आया नहीं उससे भी मिलवा देता, उसको भी बता देता, उसकी भी शॉप बता देता आपको, तो आज का यही था, अब इससे बहुत दिनों बाद मिला तो मैं अच्छे से मिल लेता हूँ, अच्छे से बातें बातें कर लेते हैं, है ना, मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए आपसे, यही चाहिए सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, कर ही देना और कर ही देना प्लीज़, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बोल दें।